यही बात हमें करनी है कि हनुमान नाभि की कॉन्शियसनेस वानर क्यों है, वानर की शक्ल क्यों है, कहीं शेर की है, कहीं कुत्ते की है, शनि को भैरव के रूप में पेश किया जा बताया जाता है, इसी प्रकार ऐसा क्यों है केतु ग्रह जो है वो कुत्ते का सूचक है, पूंछ होती है वो, तो ऐसा क्यों है कि इनको इस प्रकार लिया गया। ये सब जोडियक का कमाल है, जो जोडियक हमने दिखाया, जो जोडियक बना हुआ है पीछे से, ये जोडियक जो है इसमें ये आकृतियां बनी हुई हैं, अलग अलग बनी हुई है। इस आकृति के अंतर्गत मंगल ग्रह जब 10 नंबर राशि पे जाता है तो वो वानर की योनि है वहां, मंगल ग्रह, ये मंगल ग्रह गोल घूमता है, ऐसे 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 राशियों में घूमता है, सूर्य के इर्द गिर्द गोला घूम रहा है, मंगल का, बुध का, बृहस्पति का, शनि सारे घूम रहे हैं, तो मंगल भी यहां घूमते 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 कहीं 10 नंबर राशि पे टच करता है। 10 नंबर राशि कहां है, मूलाधार, इसलिए हमने शुरू में कहा हे हनुमान जी हमारे मूलाधार पे स्थापित हो। अग्नि ये अंधकार का इलाका है, ये शरीर में हिस्सा काला ही होता है थोड़ा सा, नेचुरली प्रकृति ने ही बनाया है, क्योंकि यह शनि का प्रकोप है, शनि अंधकार है, अंधकार का मतलब सूर्य नहीं, अंधकार का मतलब अंधकार नहीं है, अंधकार का मतलब है सूर्य नहीं, सूर्य क्या है ज्ञान और ये क्या है अज्ञान, अज्ञान की जगह पर जब मंगल विचरण करते करते घूम के पहुंचता है तो 10 नंबर राशि का नाम है मकर राशि। इस मकर राशि में मंगल ग्रह पहुंचते घूमते जब जाता है तो भयंकर मोस्टेस्ट पावरफुल, ये पहले ही इतना पावरफुल है, नाभि ऑलरेडी सबसे प्रथम कॉन्शियसनेस है हमारी, प्रथम चेतना, और जब ये मंगल ग्रह के 10 नंबर के मकर राशि पे जाती है तो ये उच्च का होता, उच्च शब्द बोला गया है यानी सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला, श्रवण नक्षत्र में ये मोस्ट पावरफुल यानी उस समय मंगल का बोलबाला है, उस समय उसके आगे कोई कुछ कह नहीं सकता, कर नहीं सकता, इसीलिए मंगल की चेतना, हनुमान की चेतना जब आप मूलाधार पे ले जाते हैं तो प्रकाश हो जाता है, रोशनी, अग्नि है ना, ये आप आग की मशाल अंधेरे में ले गए क्या होगा, गायब ना, शनि क्या करेगा, ये कथाएं हैं, शनि, शनि पापी ग्रह है, नीच ग्रह, शनि आपको मोक्ष भी देता है, लेकिन शनि अंधकार है, अब अंधकार कुछ सूझ नहीं रहा यार, कुछ नहीं सूझ रहा, कैसे करें क्या, क क क, ये क शब्द का जनरेशन हमारा मूलाधार, इस मूलाधार पे यदि अग्नि स्थापित, आग होगी, मशाल है, रोशनी, बुद्धि काम नहीं करती नीचे वाले, नीचे हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हमारी बुद्धि नीचे काम करेगी कब, जब मंगल यहां होगा, हनुमान यहां होगी, हनुमान की चेतना नीचे लेके जाई जाएगी, हनुमान चेतना में मंगल सर्वश्रेष्ठ, शनि पानी भरता और शनि कहता बोलो हुकुम करो सरकार, जैसे हम बात करते हैं क्लासेस में मुन्ना से काम करा लो सर्वशक्तिमान है, ये मुन्ना का स्थान है, यही शनि देव है, यही प्रारब्ध है, यही पूर्व जन्म के अंधकार के कर्म, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, नाश है रोग हरे सब पीड़ा, नाश कर देते हैं रोग का है, सारी पीड़ा हर लेते हैं, जपत निरंतर हनुमत वीरा, यानी हनुमान की कॉन्शियसनेस यदि आप शनि के पल्ले ले गए, मूलाधार पे ठोक दी, ऐसी की तैसी आपके कर्मों की, ऐसी की तैसी 12% के भी तेल निकाल देगा, ये अकेला ग्रह है जिससे मुन्ना डरता है, पानी भरता नहीं है, उसे अपने स्थान पर बिठाता है, इसे एक प्रकार से यूं जान ले कि मंगल, ये शनि जो है ये पेट्रोल माना जाता है, शनि तेल है, शराब है, जितने तमस की चीजें हैं घोर तमस, ये शनि है, ये मुन्ना है, आप पेट्रोल पे माचिस की एक तीली लगाते हैं भस्म हो जाएगा, शराब पे लगा दे भस्म हो जाएगी, आप सोच के चलें प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीजों में ये चीज कितनी साक्षात है, कैसे कैसे ऋषि और ज्ञानी होंगे जो अपने मंगल की चेतना को शनि पे ले जाते होंगे और मुन्ना को जेब में लेके सारे काम कराते होंगे, इतना इंप्रोवाइज्ड डीएनए, इसीलिए हमेशा से एक शब्द रहा है, मैं अपने शब्दों मुंह से कहता हूं, पैर छुओ आशीर्वाद कमाओ, तुम्हें डीएनए इंप्रूव करा के देते हैं, तुम्हारा डीएनए काम कर देगा सारा, पैर छूते नहीं, क्यों, नीचे घमंड है, लेकिन यह बनाया गया है कि शनि के घर जब मंगल जाता है तो अपना आसन छोड़ के नीचे बैठता है, उसके चरणों में कहता आप बैठे, ये कहानियां है कि शनि और मंगल, शनि के घर हनुमान जी गए तो हनुमान जी को देखकर शनि ने स्थान छोड़ा और उन्हें कहा अपना आसन ग्रहण करो, यही हनुमान जी ने रावण के पास बंधे हुए आसन से शनि को चंगुल से मुक्त कराया था, ये कहानियां है, ये कथा है कि शनि जैसे महाप्रतापी, महातेजस्वी, महाशक्तिशाली इस ग्रह को, इस देवता को
उठा करके चंगुल से मुक्ति भी मिली, मुन्ना को भी इस संसार में रोने पिटने से मुक्ति सिर्फ मंगल की चेतना दिला सकती है। मंगल की चेतना के लिए हमने क्लासेस की हैं, हमने मणिपुर चक्र की क्लास भी की है और हमने एक क्लास की है BMJ भाड़ में जाए।